और वेलकम टू वाव कुक स्टूडियोज चैनल। एंड आज की हमारी रेसिपी है प्रोटीन चिक्की। ये जो चिक्की बनाने वाले हैं हम आज, ये गुड़ के साथ बनाएंगे एंड इसमें लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स, सीड्स एंड बहुत सारे टेम्पटिंग ऐसे इंग्रेडिएंट्स हम ऐड कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आपको जो वेरिएशंस करने हैं वो भी हम आगे आपको रेसिपी में बताने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके लेना है एंड उसके लिए हमें लेना है एक पैन। इस पैन के अंदर हम ऐड करेंगे नट्स। सबसे पहले हम ऐड करेंगे आलमंड्स, उसी के साथ इसके अंदर ऐड करेंगे कैशू नट्स। इसकी क्वांटिटी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, एज इट इज़ आप उसे फॉलो कर सकते हो। अगर बड़ी क्वांटिटी में रेसिपी आपको करनी है तो इस रेसिपी को आप डबल भी कर सकते हो। यहाँ पे ऐड करेंगे पम्पकिन सीड्स, मेलन सीड्स एंड पिस्ता फ्लेक्स। आप यहाँ पे चॉप पिस्ताज भी यूज़ कर सकते हो। एंड इसे हम अच्छे से रोस्ट करके लेंगे। मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करना है हमें इसे। इसमें घी या बटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको थोड़ा सा घी ऐड करना है तो 1 टेबलस्पून तक आप घी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसी टाइम पे हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं सेसमे सीड्स। आप ब्लैक सेसमे सीड्स या वाइट सेसमे सीड्स जो आपको पसंद है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सेसमे सीड्स ऐड करेंगे एंड अगेन हम इसे अच्छे से रोस्ट करके लेंगे। तो हमारे नट्स जो है वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसे शिफ्ट करेंगे एक बोल में। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप है, उसी बोल में हम ऐड करेंगे जैगरी। जैगरी ऐड करने के बाद इसे हमें अच्छे से मेल्ट करके लेना है और इसका एक अच्छा सिरप बनाना है हमें। जैसे हम शुगर की चाशनी बनाते हैं या फिर शुगर सिरप बनाते हैं, वैसे ही हमें गुड़ के साथ एक अच्छे से सिरप बना के लेनी है, चाशनी बना के लेनी है। सो यहाँ पे हमारा जो गुड़ है ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है, बट यहाँ पे और 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसे कुक करना है, उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट स्टेप करेंगे। कंटिन्यूसली स्टरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज गुड़ जो है वो स्टर नहीं करेंगे तो बर्न होने के चांसेस भी है, इसलिए कंटिन्यूसली स्टरिंग भी करना है। यहाँ पे अब हमारा गुड़ जो है उसे हो गया है, जैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो परफेक्ट आ गई है। इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं नट्स। इसे हम अच्छे से मिक्स करके लेंगे। एंड अब हम इस बैटर को शिफ्ट करेंगे। हम लाइन जो किया है बटर पेपर से टिन को, उस टिन के अंदर हम इस बैटर को शिफ्ट करेंगे एंड इसे अच्छे से स्प्रेड करके लेना है। एंड इसे हम अच्छे से स्प्रेड करके लेंगे, इवन करके लेना है। तो यहाँ पे हमारी चिक्की जो है इवन हमने स्प्रेड कर ली है एंड इसे अब रखेंगे रूम टेम्परेचर पे, एक आध घंटे में वो सेट हो जाएगी एंड उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे एंड इस तरीके से हम इसके पीसेस करेंगे। सो
सो यहाँ पे हमारी चिक्की जो है वो रेडी हो चुकी है एंड सी द कट्स, बहुत ही अच्छे ड्राई फ्रूट के कट्स दिख रहे हैं। शार्प नाइफ से ही आपको कटिंग करनी है। प्रोटीन चिक्की की आज की हमारी जो रेसिपी है, आई होप आपको अच्छी लगी रहेगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।